हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 3, 4 और 5 BHK लग्जरी प्रॉपर्टीज या लग्जरी फ्लैट्स या विलास के बारे में, जो 2023 में ऐसी इन्वेंट्री एक रेडी हो रही है जिसमें आपको अच्छे बड़े साइज के फ्लैट्स या बड़े साइज की यूनिट्स मिल जाएंगी। स्पेशली पिछले कुछ एक आध साल से, कोविड के बाद से, एक पैटर्न या एक जो फिनोमिना जो मैं देख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, लग्जरी प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ने के पीछे दो रीजन है। जो लोग ऑलरेडी 2 BHK 3 BHK में रह रहे थे, वो इन्हें वो अपने बड़े एरिया में जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। एक एडिशनल स्पेस उनको रिक्वायर्ड हुई, घर के अंदर जब रहे तो मे बी ये फील आया कि और अभी कोविड के सिम्टम्स और सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम कल्चर या हाइब्रिड, मतलब अगर आप अभी भी अगर आप अपने एरिया में रहना चाहते हो, अपने घर में रहना चाहते हो, कुछ टाइम का 3 महीने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, इस तरीके से कई तरीके के अभी भी रिलैक्सेशन कंपनीज दे रही है। और कुछ कंपनीज जिसमें मेरे दोस्त यार काम करें, मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए 5 साल 6 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। तो बड़े एरियाज का रिक्वायरमेंट है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया, मुझे भी लगता है कि अगले 10 साल 15 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। आसपास में सबकी ग्रोथ हो रही है, सबकी इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो खर्चने की पावर है वो बहुत बड़ी है। इसका फील कोविड के बाद और ज्यादा मुझे ये फील होने लगा। तो रियल एस्टेट में काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, काफी लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस करना चाहते हैं। तो जो 2 में थे वो शायद 3 में जाना चाह रहे हैं, जो 3 में है वो और बड़ा 3 या 3 BHK विद सर्वेंट या 4 BHK में प्लान कर रहे हैं। पेंट हाउसेस की डिमांड बढ़ी है, स्पेशली लखनऊ मार्केट में, जहां पे इस तरीके के ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल है। या जो लोग NRI, स्पेशली NRI जो 3, 4, 5 BHK में देख रहे हैं, वो अगर बाहर से लौट के आके लखनऊ में सेट होना चाह रहे हैं, तो उनको उस तरीके के स्पेस, बड़े स्पेस चाहिए जो उनको शायद अवेलेबल नहीं मिल रहे थे अभी तक, बहुत लिमिटेड ऑप्शन से। और सेकेंडली, अगर ऑप्शन अवेलेबल थे तो रीसेल में अवेलेबल थे, जो ट्रांजेक्शन जिस तरीके का प्रोसेस था उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। और साथ ही साथ जो लोग लखनऊ में मकान में रहते हैं, हाउस, अपने इंडिपेंडेंट विला या बंगलो या रो हाउस, कोई भी अपने इंडिविजुअल यूनिट जिसमें रहते हैं, जिसको हम बेसिकली हिंदी में, अगर मैं लखनऊ टाउन से बात करूं, जिसको मकान कहते हैं, जो जिसमें जमीन भी आपकी है और कंस्ट्रक्शन छत भी आपका है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसमें रहने वाले कई लोगों को अपने लिविंग स्टाइल को इन्हेंस करना है। कुछ सिक्योरिटी पर्पज से क्लब नहीं मिल रहा है, एम्यूनिटीज नहीं मिल रही है, बच्चों को पार्क्स नहीं मिल रहे हैं, होली दिवाली या ईद, इन सब त्योहारों को अच्छे से इंजॉय करना है। स्पेशली पिछले 2-3 सालों में अगर न्यू ईयर है तो न्यू ईयर की एक पार्टी हो रही है तो किसी ना किसी अपार्टमेंट के क्लब में जा रहे हैं, दिवाली की कोई पार्टी है तो भी किसी दोस्त यार के अपार्टमेंट में जा रहे हैं। मेरे एज के 33-37 ईयर्स की एज में दोस्त यार अगर क्लब में कोई स्नूकर है, पूल है, तो वहां पे जा रहे हैं। तो इसलिए उनकी उनको अपार्टमेंट का एक लाइफस्टाइल चाहिए, अपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी घर है लेकिन अपार्टमेंट में जाते हैं। सबसे मेजर कंसर्न उनके साथ होता था स्पेस का, हमारे पास बड़े बेड्स हैं, सोफा बड़ा है, इतना स्टोरेज का स्पेस हमको कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो उनका रिक्वायरमेंट 1600-1700 स्क्वायर फुट के 3 BHK पे या फॉर दैट मैटर 2000-2100 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में फुलफिल नहीं हो रहा था, तो उनको बड़ी यूनिट्स चाहिए थी। तो उन बड़ी यूनिट्स के ऑप्शन लखनऊ में अवेलेबल नहीं थे, बिल्डर अभी तक मिड हाउसिंग सेगमेंट या अफोर्डेबल सेगमेंट पे काम कर रहे थे। शालीमार वॉज दी ओनली ब्रांड जो एक बड़े, जो एक रेप्यूटेड, जिसने काफी काम किया, ब्रांड्स ग्रुप और भी थे लेकिन शालीमार एक लौता रिनाउंड ऐसा बिल्डर था जिसने इस तरीके के कस्टमर्स को अभी तक सर्व किया था, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझा था और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर करी थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 2023 में और भी अच्छे बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं और इसी की वजह से आज का ये वीडियो सिर्फ 3, 4 और 5 BHK यूनिट्स, बड़े साइज की यूनिट्स, जो 2023 में जो इन्वेंट्रीज जिन प्रोजेक्ट में अवेलेबल होंगी मैं उस पर बात करूंगा। ये वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट इनके बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ कि कौन सा सेफ है, कौन सा मेरा फेवरेट है, कौन सा नहीं है। अभी सिर्फ वो प्रोजेक्ट जिसमें 3, 4 और 5 BHK की इन्वेंट्री अवेलेबल होगी 2023 में, रेंज इनका 1.30 या 1.40 करोड़ से लेके 3, 3.5, 4 करोड़ तक की रेंज में जाएगा। पेंट हाउसेस के ऑप्शन इसमें अवेलेबल होंगे, अच्छे बड़े विलाज ऐसे अवेलेबल होंगे जिसमें पूल का ऑप्शन भी साथ में अवेलेबल होगा, आपके विला में पूल का ऑप्शन भी होगा।
और साथ ही साथ ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन या न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स होंगे जो लगभग 2023 से 4 साल का टाइम लगेगा इनको पोजीशन तक आने के लिए। तो ये वो उन लोगों के लिए जो आगे जाके फ्यूचर में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं और एक बड़ी यूनिट में अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए लखनऊ में कोई स्पेस ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इस लिस्ट की शुरुआत करूं तो रिशिता मलबरी हाइट्स पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें सेरेनिटी टावर एक लॉन्च हुआ जिसमें बड़े साइज के 4 BHK यूनिट्स 3500 स्क्वायर फुट की यूनिट्स जिसका रेट लगभग 6500 रुपीज पर स्क्वायर फुट अभी करेंटली है, इस हिसाब से अगर जोड़ें तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की यूनिट होती है। पोजीशन अगेन 4 साल के टाइम पीरियड में मिलेगा, सुशांत गोल्ड सिटी जैसे लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है, आसपास में विसिनिटी बहुत अच्छी है, एक तरफ से गोल्फ का व्यू भी मिलेगा इस प्रोजेक्ट में और रिशिता ने इससे पहले सेलिब्रिटी ग्रीन्स को भी डिलीवर करके दिया है, मैनहट्टन में भी पोजीशन और रजिस्ट्री ऑलरेडी आज की डेट में स्टार्ट हो चुकी है। तो दो प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो उनके बेल्ट के अंदर जिसको दिखा सकते हैं कि जो डिलीवर है और बहुत जल्दी मुझे लगता है गोल्ड फ्रिज में भी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट जो रिशिता बिल्डर्स का है मलबरी हाइट्स जिसमें ये इन्वेंट्री 2023 में मुझे लगता है अच्छी खासी इन्वेंट्री अभी अवेलेबल मिलेगी इस टावर में। फिर विला में अगर मैं बात करूं तो अमरावती के विलाज हैं जस्ट 30-40 के आसपास यूनिट्स हैं, 2.25 करोड़ से लेकर 2.80 करोड़ तक की रेंज में मैक्सिमम यूनिट्स हैं, कुछ कॉर्नर की यूनिट 4-4.5 करोड़ की रेंज में भी जाती हैं। इसमें इंडिपेंडेंट के साथ साथ में 3 साइड ओपन कॉन्सेप्ट के साथ में एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इस बजट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन हालांकि जो ग्रीनरी है वो आपके प्लॉट का ही पोर्शन है, अलग से बिल्डर उसको डेवलप नहीं कर रहा है। तो लग्जरी विलास जिसमें बड़े रूम साइज हो, सर्वेंट के लिए अलग डेडिकेटेड स्पेस हो, एक न्यू फ्रेश लेआउट, इस तरीके का लेआउट लखनऊ में अभी तक अवेलेबल मैंने नहीं देखा। अमरावती का जो विला का लेआउट है ये बहुत रेयर, कोई बिल्डर इस तरीके के लेआउट पे अभी काम नहीं कर रहा जो जिसको प्रॉपरली मैं विला कह पाऊंगा। तो अमरावती के पास ये ऑप्शन है, इसमें प्लॉट साइज 1800 स्क्वायर फुट का मिलेगा जिसमें बिल्टअप जो है वो लगभग 3100-3200 स्क्वायर फुट से लेकर 3600-3650 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया आपको मिल जाता है, सुपर बिल्टअप जो भी कहें हम, और जो रेंज आएगी वो लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ से लेकर 2.8 की रेंज में ये विलास आएंगे और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट हो चुका है, काम साइट पे काम चल रहा है। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में ये लोकेशन है, लोकेशन बहुत प्रीमियम है, आईटी सिटी से एडजेसेंट ये लोकेशन है और वाइड रोड्स हैं, गोमती नगर का टैग लगा हुआ है तो ये बहुत अपने आप में बहुत एक प्रीमियम फील है और साथ ही साथ इनका जो पोजीशन टाइम होगा वो मुझे लगता है लगभग 3-3.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में विलास का रजिस्ट्री या पोजीशन लेटर स्टार्ट हो जाने चाहिए, तो 2026 लास्ट में इसका डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है विलास की। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो है पिंटेल में विलास के ऑप्शन है, अगेन ये विलास अप्रोक्सीमेटली लगभग सब सेम है, ग्रुप भी पूरी तरीके से सेम नहीं है, अमरावती होलसोल जिनका ग्रुप है उनका कुछ शेयर पिंटेल में भी है, तो पिंटेल में भी ये विलास के ऑप्शन अब आए हैं फेस टू की तरफ है, लेकिन मुझे पिंटेल के विलास थोड़ा बैक साइड में है, मतलब मेन रोड से काफी अंदर आना पड़ेगा विलास के लिए, उसमें भी यही रेंज लगभग आएगी और विलास के ऑप्शन उसमें भी अवेलेबल मिल जाएंगे और ये भी लग्जरी विलास हैं क्योंकि रेंज इनका महंगा है, ये कोई 70-80 लाख की रेंज में ये विलास नहीं आते हैं। इसके साथ में फिर आता है शालीमार का वेलेंशिया काउंटी ईस्ट, शालीमार के वेलेंशिया प्रोजेक्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, विलास का प्रोजेक्ट गोमती नगर एक्सटेंशन में हो, शालीमार ब्रांड का हो, शहीद पथ पे मिल जाए, गोमती नगर एक्सटेंशन से बिल्कुल लगे क्रिकेट स्टेडियम से बिल्कुल लगी हुई लोकेशन है गोमती नगर एक्सटेंशन में, उस टाउनशिप के अंदर जहां पे अपार्टमेंट ही 2.5-3 करोड़ के एक्सेप्ट कर ली है बाजार में, इस तरीके की सेल चल रही है, 8,000-9,000 रुपए का रेट शालीमार बेसिक कॉस्ट सेल कर रहा है, वहां पे अगर विला मिल रहा हो सेमी फर्निश्ड या सेमी फिनिश्ड विला है बेसिकली, 3-3.5-4 करोड़ की रेंज के विलाज हैं, ये एक ऑप्शन वहां पे लोगों को मिल जाएगा शालीमार के साथ, जो ब्रांड लॉयल है पर्टिकुलर शालीमार में ही जाना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा विलास का, और अगेन लोकेशन गोमती नगर एक्सटेंशन, मोस्ट ऑफ द लोकेशन जो ये लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ गोमती नगर एक्सटेंशन या शहीद पथ के आसपास आ रहे हैं क्योंकि
सबसे ज्यादा डिमांड है उस लोकेशन पे हाउसिंग की, और अगले 10 साल मुझे लगता है सुशांत गोल्ड सिटी या सुल्तानपुर रोड या गोमती नगर एक्सटेंशन के बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोकेशन पे आ रहा है, जिस तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में आ रहा है, हॉस्पिटल या कनेक्टिविटी मॉल्स जो लाइफस्टाइल को इनहेंस करती हैं, सारी चीजें और सारा डेवलपमेंट मुझे लगता है उस एरिया में आ रहा है। इस वजह से बहुत डिमांड है और इसी वजह से पेइंग कैपेसिटी जो NRI ऑडियंस है या जो हाई नेटवर्थ इनकम ग्रुप पीपल हैं, चेन्नई लोग हैं, उन लोगों को अगर सेटल होना है या वो प्लान कर रहे हैं लखनऊ में एक अच्छा लाइफस्टाइल इनहेंस करने का, वो पर्टिकुलरली उस लोकेशन पे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो जो यंग ऑडियंस है, बाकी अगर प्राइस पॉइंट पे बात करें तो इस प्राइस रेंज में तो गोमती नगर में भी घर मिल जाएगा, महानगर में भी घर मिल जाएगा, लेकिन वहां शायद क्लब नहीं मिलेगा, वहां वो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहां पे प्रॉपर सिटी के अंदर होने की वजह से कुछ कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मे बी उस लोकेशन पे लोग छोड़ के पर्टिकुलर इस लोकेशन पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो मैं अभी बाकी प्रॉस कॉन्स पे नहीं बात करते हुए सिर्फ लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद शालीमार वन वर्ल्ड में 2 से 3 नए ग्रुप हाउसिंग शालीमार लॉन्च कर रहा है, वो भी अगेन थोड़ा हाई साइड हाई एंड पे आएंगी, जहाँ पे 3 BHK 2500-2800 स्क्वायर फुट से लेके 4 BHK के ऑप्शन जाएंगे, जो लगभग 4000-4200 स्क्वायर फुट के साइज में होंगे। अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो 8,500-9,000 रुपए का पर स्क्वायर फुट रेट होने वाला है। पोजीशन 3-3.5-4 साल के टाइम ड्यूरेशन में पोजीशन मिलेगा, इससे पहले पोजीशन ऑफर नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में। लोकेशन वही गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 होने वाली है। इसके बाद में महानगर में शालीमार का एक और ऑप्शन है गैलेंट वेस्ट, बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं और ये महानगर बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में ये टावर है। हजरतगंज की कनेक्टिविटी वहां से बहुत स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से हजरतगंज सिर्फ 6-6.5 किलोमीटर होगा उस लोकेशन से, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है हजरतगंज का। एरिया वेल कनेक्टेड है और यहाँ पे 5 से 6 करोड़ की रेंज में ये अपार्टमेंट्स के ऑप्शन आते हैं। पोजीशन आएगा लगभग अभी से 4-4.5 साल बाद, इससे पहले पोजीशन ऑफर नहीं होगा। 4 साल मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ, 3-3.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में पोजीशन ऑफर हो जाना चाहिए, फैमिलीज को शिफ्ट कर जाना चाहिए। और बिल्कुल महानगर में ये लोकेशन है, शालीमार ब्रांड है, ऑलरेडी उस एरिया में गैलेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है जिसमें फैमिलीज रह रही है, बहुत अच्छी मेंटेन टाउनशिप है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कई कंप्लेंट्स वहां के यूजर्स से आती हैं कि गैलेंट में वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं रही जो शालीमार ने उससे पहले जॉपलिंग रोड के प्रोजेक्ट्स में दिखाई थी। तो मे बी आगे गोइंग फॉरवर्ड शालीमार अगर ये फीडबैक को काउंट करेगा तो गैलेंट वेस्ट में शायद कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ में ओमेक्स का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है द रिजॉर्ट, इसकी कुछ अभी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में ओमेक्स R2 के ठीक एडजेसेंट पे प्रोजेक्ट आएगा। कोई भी प्रमोशन इसका या कोई भी बात इस पर तब आगे हम करेंगे जब इसका रेरा नंबर ऑफिशियली आ जाएगा, बिल्डर इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। लगभग 6-6.5 हजार रुपए स्क्वायर फुट के रेंज में ये फ्लैट्स की कॉस्ट होने वाली है पर स्क्वायर फुट में अगर मैं बात करूं, और साइज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2500-3000 के साइज की यूनिट्स होंगी इसमें, 3 BHK मे बी 4 BHK के भी ऑप्शंस आए। और गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 है। R2 जो लोग मैनहट्टन की लोकेशन से या R1 R2 की लोकेशन से अवेयर है, बिल्कुल R2 से लगे हुए लैंड पार्सल पे ये ओमेक्स का नया प्रोजेक्ट आएगा। इसी में एक नया एडिशन है सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर पॉकेट डी में, ओरो ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट आना है जो 2023 फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसका भी अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, बिल्डर इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे और रेट इसमें भी 6-6.5 हजार रुपए स्क्वायर फुट का होगा। साइज इसमें 2000 स्क्वायर फुट से लेके अप्रोक्सीमेटली 5000 स्क्वायर फुट के साइज में जाएंगे। पेंटहाउस के ऑप्शंस भी मिलेंगे, 3 और 4 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे इन सभी प्रोजेक्ट्स में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 BHK का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जो ओरो का जो प्रोजेक्ट आएगा ये भी 2023 में जब आएगा वहां से 4-4.5 साल का टाइम लगेगा इसमें पोजिशन का, इससे पहले ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं होने वाला है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट, लोकेशन बहुत अच्छी है, प्रीमियम लोकेशन पे प्रोजेक्ट आएगा और इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम इन सभी प्रोजेक्ट जो मैंने मेंशन की इनमें अभी फिलहाल नहीं है। इन्वेंट्रीज अच्छी खासी इन्वेंट्रीज 2023 में लग्जरी सेगमेंट की आने वाली हैं, जिसमें ऑडियंस को 4-4.5 साल का जो टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं उनको ये ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक लास्ट ऑप्शन जो उस एरिया में क्रिकेट स्टेडियम कैंपस के अंदर ही इकाना के स्पोर्ट्स जो पूरा कैंपस है उसके अंदर में
इकाना एंटल्या, इसके कई होर्डिंग्स लखनऊ शहर में लगे होंगे, लोगों ने देखे होंगे या उन तक इन्फॉर्मेशन गई होगी। एक बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है और अगर मैं इसको बात करूं बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है अगर वैसा एग्जीक्यूट हो जाता है तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट होने वाला है ये। और इकाना ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, इसमें भी अगेन बड़े साइज की यूनिट्स हैं, रेंज 2 करोड़ 1.5 करोड़ से 3 साढ़े 3 करोड़ की रेंज में जा रही हैं और बिल्कुल ये स्पोर्ट्स कैंपस के अंदर प्रोजेक्ट है। तो अगर आप अच्छी हाइट पे लिया तो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर का व्यू आप शायद बालकनी में बैठे बैठे पूरे क्रिकेट मैच को एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ 10 से 11 ऑप्शंस थे जो लखनऊ के अंदर 2023 में, जिसमें कोई कस्टमर अगर 3, 4, 5 BHK या बड़े 3 BHK, 3 BHK विद सर्वेंट, 4 BHK विद सर्वेंट, 5 BHK विद सर्वेंट, डुप्लेक्स फ्लैट, बड़े साइज के टेरेस के साथ में यूनिट्स, इन सबको अगर प्लान कर रहे हैं तो उनको ये सारे प्रोजेक्ट्स दिमाग में रखने चाहिए। इन सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री के ऑप्शन है, सभी प्रोजेक्ट 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट होंगे, सभी प्रोजेक्ट्स का प्राइस रेंज लगभग 1.5 करोड़ से 3 साढ़े 3 4 करोड़ की रेंज में जाता है। आज का ये वीडियो करने का पर्पस ये था कि लग्जरी सेगमेंट की काफी क्वेरीज पिछले कुछ टाइम से आ रही हैं और लग्जरी सेगमेंट लखनऊ में स्पेशली लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जो कस्टमर्स प्लान कर रहे हैं 2023 में प्लान करने वाले हैं, उन लोगों को इस वीडियो से एक ये ऑप्शन मिल जाएगा, एक उनको जानकारी ये मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। फिर हम एक आगे जाके जब सारे प्रोजेक्ट्स ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगे तो एक कंपैरिजन करेंगे जिसमें मैं इन प्रोजेक्ट्स में कौन सा मेरे हिसाब से बेटर है, कौन सा सुपर सेफ है, कौन सा सेफ है, कहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, किस ब्रांड ने कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर किया, कौन सा प्रोजेक्ट बनने ही नहीं वाला है इनमें से, सिर्फ कागजों पे रह जाएगा, बनते बनते कौन सा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, इन सारे एलिमेंट्स पे हम आगे बात करेंगे जब ये सभी प्रोजेक्ट्स एक बार ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगे। फिर हम इस प्रोजेक्ट पे डिटेल इनका एक डिटेल कंपैरिजन लेकर आएंगे आपके बीच में और तब हम इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करेंगे। अभी ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लेकर आए थे हम और मुझे उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और इस तरीके के कई सजेशन हमको चैनल पे मिलते रहते हैं, जिससे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप भी कोई इस तरीके का टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं जो हमको कवर करना चाहिए और जिसका मार्केट में काफ़ी बस है और हम मिस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये कंटेंट मेरे चैनल का आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, कोई वीडियो आप मिस ना करें। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इस चैनल को, इसके वीडियोज़ को शेयर करें। टीम अमन चावला के इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।